हाय गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल हुमा लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं फिर से प्रोडक्ट रिव्यू के साथ आई हूँ। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आज के जो प्रोडक्ट हैं वो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। मैं इनके बारे में बताऊंगी और आपको अच्छे ही लगेंगे। तो चलिए जल्दी से बताती हूँ, मेरा पहला और फेवरेट प्रोडक्ट, ये है मेरा फेवरेट प्रोडक्ट और ये है ब्रॉन्जिंग पर्ल्स, जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि हम इसको बहुत तरीके से लगा सकते हैं और मैं किस तरीके से इसको यूज़ करती हूँ मैं आज आपको वो बताऊँगी। तो ये है ओरिफ्लेम का ही ब्रश, इसको बोलते हैं पाउडर ब्रश, और इसको मैंने लिया हुआ है। इसके थ्रू जब मैं इसको ब्रॉन्जिंग पर्ल्स को लगाती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इस ब्रॉन्जिंग पर्ल्स की बात कर लूँ तो ब्रॉन्जिंग पर्ल्स की जो पैकेजिंग है वो ही बहुत क्यूट सी है, देख सकते हो आप कितनी अच्छी पैकेजिंग है। और इसका मैं शेड बताती हूँ, इसमें दो शेड आते हैं, एक है ये ल्यूमिनस पीच जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और एक आता है सबलाइम रेडियंस। तो मेरे पास जो है वो है ल्यूमिनस पीच, तो पीच कलर में है, थोड़ा सा पीच टोन में आएगा, तो दिख रहा होगा देखिए आप किस तरीके के ब्रॉन्जिंग पर्ल्स हैं। और ये हैंडमेड इटली में बनाए हुए पर्ल्स हैं, तो बिल्कुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है ये गाइस। तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज ये केमिकल फ्री है। तो ये ब्रॉन्जिंग पर्ल्स हैं, मैं आपको बताती हूँ, कुछ इस टाइप के रहते हैं और आप इसको बहुत अच्छे से ब्रेकआउट कर सकते हो। और इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये जैसे ब्रश है तो इसमें ऐसे डिप डिप करो, और जब आप इसे लगाएंगे ना तो आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। मैं आपको लगा के बताती हूँ, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। तो इसको मैं लाइक ऐसे ऐसे लगा रही हूँ, आपको इसका लुक दिखेगा, ये देखिए दिख रहा है। और गाइस, ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, तो आप इस बात से निश्चित रहो कि ये इसमें कुछ केमिकल है या ऐसा कुछ है। बहुत बहुत अच्छा और इटली में बनाया हुआ हैंडमेड मटेरियल है ये, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये गाइस। और आप खुद देख सकते हो, इससे मुझे एक टू इन वन का काम हो रहा है ये, एक तो ब्रॉन्जिंग पर्ल्स का भी काम हो रहा है और दूसरा ब्लश की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, दोनों तरीके से ये काम कर रहा है। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इसी को यूज़ करना रहेगा और बस यूज़ करके और मेरा मेकअप रेडी हो जाएगा। तो बस मल्टीपर्पज़ वे में आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत अमेजिंग इसके पर्ल्स हैं और इसमें सबलाइम रेडियंस भी आता है, जैसे मुझे पीची लुक प्रोवाइड किया है इस वाले ल्यूमिनस पीच ने, उसमें थोड़ा सा आपको पिंकिश टोन आ जाएगा, तो वो और भी आपको और भी अच्छे से दिखेगा। तो मुझे थोड़ा सा लाइट टोन में चाहिए था, नो मेकअप मेकअप लुक में भी ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है। और आई थिंक कैमरा कैप्चर कर रहा है मेरा ही ब्रॉन्जिंग पल्स वाला मेकअप, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ओरिफ्लेम में से, तो आप अभी ले सकते हो, ये अभी ऑफर में आया हुआ है फैब की कैटलॉग में, तो बिल्कुल इसे ग्रैब कर सकते हो। ओके गाइस, नाउ मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे ये लिपस्टिक्स हैं जो बहुत बहुत अमेजिंग हैं। ये दो शेड्स हैं, एक ही ब्रांड के हैं, द वन के अल्ट्रा फिक्स ये लिपस्टिक्स हैं। इसमें मेरे पास दो शेड हैं, एक मेरे पास अल्ट्रा बर्गेंडी है और एक मेरे पास है अल्ट्रा टेराकोटा। तो ये दोनों शेड्स मेरे पास हैं, इन दोनों का मैं आपको बताती हूँ पहले शेड और इसका पिगमेंटेशन, और उसके बाद आपको मैं बताऊँगी कि कितनी अच्छी लिपस्टिक है। इसको आपको 10 मिनट के अराउंड या उससे भी पहले तक आपको थोड़ा सा इसको सेट होने देना है, और उसके बाद ये लिपस्टिक नहीं हटेगी, और इसलिए इसका नाम है अल्ट्रा फिक्स। तो चलिए मैं आपको शेड बताती हूँ इसका। तो इसका जो शेड है, एक तो ये वाला है जो है अल्ट्रा बर्गेंडी, तो ये है अल्ट्रा बर्गेंडी, आप शेड देख लो, ये वाला शेड है, आप देख लो ये वाला शेड है, और ये अल्ट्रा बर्गेंडी है, बहुत अमेजिंग इसका शेड है। और गाइज, नेक्स्ट जो शेड है वो थोड़ा सा लाइटिश टोन में है, आप नो मेकअप मेकअप लुक में इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है ये अल्ट्रा टेराकोटा है। तो गाइज, आपको ये कैमरे में कैप्चर हो रहा है कि नहीं आई डोंट नो, बट ये देखिए कुछ इस टाइप का टेक्सचर है और इस कलर इस शेड में है। तो गाइज, ये दोनों ही शेड बहुत बहुत अमेजिंग है, आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए
दोनों शेड बहुत अच्छे हैं, ऊपर वाला बर्गेंडी है और नीचे वाला अल्ट्रा टेराकोटा है। तो गाइज आप ये अल्ट्रा टेराकोटा तो बिल्कुल बहुत अच्छे से नो मेकअप मेकअप लुक में जब आप इसे यूज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से जाएगी लिपस्टिक, और दूसरी वाली लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है। तो दोनों ही शेड मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और आप इसको थोड़ी देर सेट होने दो, आपकी लिपस्टिक बिल्कुल नहीं हटेगी। इसी के साथ में अभी आ रहे हैं लिप लाइनर्स, आप उसे भी ग्रैब कर सकते हो। लिपस्टिक अगर आप लगा रहे हो तो लिप लाइनर लगाना मत भूलना, बिकॉज लिप लाइनर के बिना लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती। ओके गाइज, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिप लाइनर्स भी शो करूंगी विथ लिपस्टिक शो करूंगी। तो गाइज आई होप आपको मेरा ये रिव्यू और ये लिपस्टिक्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे बहुत मायने रखता है और बहुत खास है। और गाइज मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, उसमें इंस्टाग्राम में आप DM करके मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं या जो भी आपको प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी है आप वो पूछिए, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे आपको रिव्यू चाहिए। और अगर आप हमसे ज्वाइन हो जाते हैं तो ये सारे ही प्रोडक्ट आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएंगे। और गाइज इसी तरीके से मैं आपको रिव्यूज़ देती रहूँगी, अच्छे रिव्यूज़ और प्रोडक्ट के साथ मैं आपके साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।